अमृत झरे रंग होरी हो, अमृत रस को घोंट राम रंग होरी हो। तिरवेणी पर ताल है रंग होरी हो, वहां फूले कमल अनंत राम रंग होरी हो। मधुकर भौरा गोंज ही रंग होरी हो, जावा फाग बसंत राम रंग होरी हो। मल्ला गिर चंदन चरत रंग होरी हो, कस्तूरी निज गंध राम रंग होरी हो। अदर फुहारे छोटत हैं रंग होरी हो, बरसाना ब्रह्मरंद्र राम रंग होरी हो। मन मथुरा तन द्वार का रंग होरी हो, जहाँ बसे कबीर जगदीश राम रंग होरी हो। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, वहाँ खेल है बिस्वे बीस राम रंग होरी हो। कहते हैं वहाँ सचखंड में जाके उस कबीर परमेश्वर के साथ आत्मा और परमात्मा कहते वहाँ होली खेलते हैं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, वहाँ खेल है बिस्वे बीस राम रंग होरी हो। सतगुर मेला करत है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल ही अंदर द्वीप है रंग होरी हो, अगम भूमि अस्थान राम रंग होरी हो। मूल कमल को बांध ले रंग होरी हो, पान अपानम जीत राम रंग होरी हो। द्वादश ऊपर दर्श है रंग होरी हो, धरो ध्यान की धूप राम रंग होरी हो। गुदा कमल में मदन है रंग होरी हो, उल्टी नाल अपूठ राम रंग होरी हो। बंक नाल अमृत झरे रंग होरी हो, अमृत रस को घोंट राम रंग होरी हो। तिरवेणी पर ताल है रंग होरी हो, वहाँ फूले कमल अनंत राम रंग होरी हो। मधुकर भौरा गोंज ही रंग होरी हो, जावा फाग बसंत राम रंग होरी हो। मल्ला गिर चंदन चरत रंग होरी हो, कस्तूरी निज गंध राम रंग होरी हो। अदर फुहारे छोटत हैं रंग होरी हो, बरसाना ब्रह्मरंद्र नाम रंग होरी हो। मन मथुरा तन द्वार का रंग होरी हो, जहाँ बसे कबीर जगदीश राम रंग होरी हो। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, वहाँ खेल है बिस्वे बीस राम रंग होरी हो। कहते हैं वहाँ सचखंड में जाके उस कबीर परमेश्वर के साथ आत्मा और परमात्मा कहते वहाँ होली खेलते हैं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, वहाँ खेल है बिस्वे बीस राम रंग होरी हो। नासा अग्रि जग मग रंग होरी हो, अनजाया अनभूत राम रंग होरी हो। योजन चार अखंड धुन रंग होरी हो, लासुरत का सूत राम रंग होरी हो। ये पारख खान पिछान ले रंग होरी हो, चरण अर्श और कुर्स राम रंग होरी हो। दो कमलों के मध्य है रंग होरी हो, चश्म्यों ऊपर दर्श राम रंग होरी हो। ये कमल सलोने साथ हैं रंग होरी हो, जामद पारस नाम राम रंग होरी हो। सहस कमल दल नूर के रंग होरी हो, कली कली दर भवंग राम रंग होरी हो। नौ लख नाड़ी रास है रंग होरी हो, वहाँ डोरे सुहांगम चोर राम रंग होरी हो। शंख कमल दल जगमग रंग होरी हो। अब इन सभी कमलों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं। पहले ये सारे सातों कमल बताए,
सेंसरार कमल बता दिया जिसमें काल भगवान ज्योत निरंजन का वास है। अब आगे बताते हैं शंख कमल दल जगमग रंग होरी हो, नील पदम शंख कमल दल, जैसे गणेश जी का है वो चार पंखड़ी का दल है, चार पंखड़ी का कमल दल है, और ब्रह्मा जी और सावित्री वाला जो है वो छह पंखड़ी का, विष्णु और लक्ष्मी वाला वो आठ पंखड़ी का, शिव पार्वती वाला बारह पंखड़ी का, दुर्गा वाला जो है वो सोलह पंखड़ी का, और त्रिकुटी में दो पंखड़ी का, और एक हजार पंखड़ी का युग काल भगवान का स्थान ठिकाना कमल शरीर में है। और कहते हैं शंख कमल दल नील पदम शंख, शंख कमल दल जगमग रंग होरी हो, वहां कली कली शशि भान राम रंग होरी हो, जहां बसे कबीरा आप राम रंग होरी हो, वो पूर्ण पुरुष अमान राम रंग होरी हो, कर्म भरम लागे नहीं रंग होरी हो, ये मंगल रूप सुभान राम रंग होरी हो, सुख सागर में खेलता रंग होरी हो, गरीब दास गलता न राम रंग होरी हो। सुन सरोवर मनस हन रंग होरी हो, या खेल है फाग बसंत राम रंग होरी हो, विष्णु शंकर खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनिजन संत राम रंग होरी हो, वो दुल्हा साहेब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन संक असंग राम रंग होरी हो, घाट बाट कुछ है नहीं रंग होरी हो, अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो, श्वेत गुमट सिर से हेरा रंग होरी हो, जल किरण अनंत राम रंग होरी हो, अब कौन युगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि दुल्हा साहेब एक है रंग होरी हो, वहाँ दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो, जो पुण्यात्माएं परमात्मा से यह संबंधित हो करके सत भक्ति करके सचखंड चले गई, कहती हूँ वो एक परमात्मा सभी के साथ वहाँ आनंद से रहता है। अब कहते हैं ऊपर गुमट है, एक सफ़ेद गुमट, सिर से हरा सफ़ेद गुमट है, सिर पर मुकुट है परमात्मा के, कहते हैं सफ़ेद गुमट सिर से हरा रंग होरी हो, और उसमें जल के किरण अनंत राम रंग होरी हो। अब कहते हैं किस विधि उसको पाया जा सकता है, कौन युक्त से पाई ये रंग होरी हो, उत्तर देते हैं सतगुरु कह उपदेश राम रंग होरी हो, ऐसा अगम अगाद है रंग होरी हो, पार न पावे शेष राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, तिरवेणी कतीर राम रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, परपटन स्थान राम रंग होरी हो, चंद सूरज की गम नहीं रंग होरी हो, जान नहीं जमी असमान राम रंग होरी हो, बीड़ी घाटी सांकड़ी रंग होरी हो, पावत नहीं जान राम रंग होरी हो, कालंदरी जमुना बह रंग होरी हो, मोहन कबीर भोपाल राम रंग होरी हो।
अब पुण्यात्मा इसके अंदर बहुत गुड़ रहस्य है। परमात्मा की महिमा एक बहुत ही अनमोल तरीके से गरीबदास साहिब जी ने लिखी है। वेदों को समझना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर की इस महिमा की वाणी को समझना बहुत कठिन है। और इसमें कठिन इसलिए बनाया था प्रभु ने कि बीच में ये नकली पंथी इस यथार्थ ज्ञान से परिचित ना हो जाए, और इससे अगर ये पहले से परिचित हो जाते ये अधिकारी होते नहीं। वही ज्ञान, वही नाम और वो सब कुछ वो बताते रहते, और फिर परमात्मा की प्यारी आत्माएं अपने भगवान को पहचान नहीं सकती और उन नकलियों के फंसी रह जाती। अब क्या बताते हैं कि उस परमात्मा के पाने का एक सीधा सा तरीका है। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। अपनात्मा इतने ज्ञान की और इन वेदों के इतने प्रमाण की किस लिए आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हम परमात्मा को कति भूल चुके हैं। परमेश्वर का नामो निशान समाप्त करवा दिया इस काल भगवान ने, अन्यथा चार बातें साधारण सी हैं। ये ज्ञान हो जा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था, ये विश्वास हो जा आपके कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए और इसका कोई यूज नहीं, नहीं तो पशु अन्य पक्षियों जैसे ही कर्म हम करते हैं। दूसरा ये विश्वास हो जावे कि कौन है वो परमात्मा और कहाँ रहता है, और तीसरा ये हो कि वो मिलता कैसे है, उसकी विधि वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, और चौथा ये हो जाए कि हम यहाँ फंसे किस कारण से। फिर इन इतने बड़े ग्रंथों की कति आवश्यकता को नहीं, आपके हृदय में यह कसक पैदा हो जाए कि हम गलत जगह फंस गए, ये तो घना गलत स्थान है। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। अपने आत्मा को कहना बहुत आसान है, क्योंकि आज हम मनुष्य सारी सुविधाएं में उपलब्ध है। कुत्ता गधा सुअर की योनियां भी हम आप सभी कई कई लाखों बार भोग चुके हैं। कुत्ते गधे सुअर की योनियां पर इब ना जस्ती, इब यू असर ना होता, क्योंकि भांग घनी पी रखी है हमने, इस तिरगुण माया की हमारे इंजेक्शन लगा रखे, इनका असर नहीं होता। इनको असर करने के लिए ये ऐसे ज्ञान सुनाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथों के प्रमाण दिए जा रहे हैं। अन्यथा ये मंत्र और वो भगवान अमरपुर स्थान और ये इस कारण से हम यहाँ फंसे, ये लोग ठीक नहीं है। चार बातें हैं, पांचवी की जरूरत नहीं, लेकिन हम इतने भूल चुके उस मालिक को, उस यथार्थ ज्ञान को, इतने ढेर सारे प्रमाणों के बाद भी हम बहुत मुश्किल से विश्वास कर पाते हैं। अब क्या बताते हैं? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, जब इस ज्ञान के आधार से इस मन को ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच यहाँ तो यो ये दुख सदा बना रहेगा, तो फिर ये आत्मा का सहयोग देगा। जब आत्मा का यो साथी हो जाएगा फिर इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, फिर उसी स्पीड से जैसे ये उल्टे कामा में स्पीड खींचे, तो फिर ये शुभ कर्मों में भी इतनी ही स्पीड कर देगा। तो इस मन को फिर ये मन यहाँ नहीं टिकता, फिर ऊपर को चलने की इसकी बहुत प्रबल इच्छा हो जाती है। अब कहते हैं इतने बड़े बड़े ग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी, एक मंत्र जो तीन अक्षर का है, एक दो अक्षर का, फिर वो ओम तत् सत, ओम सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है। इस मंत्र का जाप, बुराइयों से दूर, गुरु मर्यादा में रहे, आजीवन सेवन करे, अपना संसारी काम भी करता रहे।